नमस्कार, नेवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। अगर आप या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो ये खबर आपको खुश कर देगी। केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से पुरानी पेंशन यानी ओल्ड पेंशन को बहाल करने की मांग की जा रही है। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए कुछ कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ से पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। पिछले दिनों 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का नया वेतन मई में कर्मचारियों के खाते में आ गया है। आपको बता दें, हिमाचल सरकार की तरफ से मई में दिए गए अप्रैल के वेतन में न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का शेयर नहीं काटा गया है। मई की पहली तारीख को कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिला है। वहीं अब तक कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस के मद में 10% वेतन कटता था, लेकिन सरकार ने अप्रैल की सैलरी से कर्मचारियों के वेतन से 10% पैसा नहीं काटा है और ये उन्हें सैलरी के रूप में मिला है।